मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन की फसल को लेकर चिंतित हैं। बारिश थम भी गई, लेकिन वहीं अब सोयाबीन की फसल पर येलो मोजे का खतरा मंडराने लगा। खेतों में खड़ी सोयाबीन फसल पीली पड़ने लगी है और उसके पत्तों में छेद नजर आने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल सीहोर जिले के ग्राम जरखेड़ा पालखेड़ी नादान में 2 दर्जन से अधिक किसानों की सोयाबीन की खेती तो पीला मोजे रोग से चौपट हो गई है। किसान इस समय इस बीमारी को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सोयाबीन की खेती की थी, लेकिन फसल कुछ दिनों पहले अच्छी थी और अब पिछले दिनों बारिश के बाद धूप आदि मौसम में हुए परिवर्तन के कारण फसल चौपट हो गई है। दरअसल बारिश के बाद मौसम साफ होने पर खेतों में नमी की मात्रा संतुलित हो गई, लेकिन खेतों में खड़ी सोयाबीन पर पीला मोजेक रोग का प्रकोप शुरू हो गया। इस संबंध में किसानों का कहना है कि रोग से फसल बर्बाद हो जाएगी और उत्पादन नहीं होगा। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पीला मोजेक रोग लगता है तब कुछ पौधों में चितकबरे गहरे हरे पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पौधे ऊपर से पीले हो जाते हैं और ये देखते ही देखते पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे पौधे सिकुड़ जाते हैं। खरीफ सीजन की फसल के अंकुरित होते ही करीब 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी, इससे फसल पीली हो गई और किसानों के पास जुताई और कीटनाशक छिड़काव के लिए भी समय नहीं मिला। इस बीच सोयाबीन अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन पीले मोजेक वायरस की बढ़ती घटनाओं के कारण सोयाबीन पीला पड़ रहा है और भविष्य में फली नहीं लगेगी और इसका असर आने वाले दिनों में उत्पादन पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।